तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही इजी मेथड में सांभर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल गरम किया है कुकर में। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाली हूँ मैंने, और जीरे के साथ ही हम इसमें राई के दाने भी डाल देंगे, और 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से टुकड़ों में कट करके डाला है मैंने। इसी के साथ हम 1 आलू डालेंगे मीडियम साइज का, थोड़ा सा लौकी है ये डालेंगे हम, और प्याज डालेंगे। सब्जियां आप इसमें कोई सी भी डाल सकते हैं, आप इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, और कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाला 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और नमक है स्वाद के अनुसार, और इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और ये सांभर ना बहुत ही टेस्टी बनता है, और अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बर्तन में हम इसे बना लेंगे। और ये 1 कटोरी अरहर की दाल है, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, इसे भिगोकर धोकर मैंने ले ली हूँ। इसे भी हम डाल कर कुकर में इसमें सब्जियों के साथ इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डालना भूल गई थी, तो 2 इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे, और इसमें 4 से 5 विसल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। और ये सांभर में 4 से 5 विसल आ चुकी है, और देखिए ये दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए ये सांभर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसे हम हल्के से करछी से इस तरीके से चला देंगे, जिससे कि थोड़ी सी मैश हो जाए सब्जी हल्की हल्की सी, जिससे कि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये देखिए ये सांभर बनकर बहुत ही जल्दी तैयार है, ना कोई झंझट कुछ नहीं। अब हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो आप तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें इसे हम बॉईल कर लेंगे हल्का सा, और ये बॉईल अब हम इसमें सांभर मसाला डालेंगे 2 बड़ा चम्मच, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे, और ये झटपट सा हमारा सांभर बनकर तैयार है। यकीन नहीं मैं होगा आपको, ये इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत टेस्टी, तो ज़रूर बनाइए। और अब ये सांभर को हम बंद कर देंगे, और अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन ली हूँ, इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे हम राई के दाने, और जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे हम, थोड़े से कड़ी पत्ता, और 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे, हींग ज़रूर डालें। और ये तड़का हमारा तैयार है। अब हम इस तड़के को सांभर में यूँ डाल देंगे, और ये तड़का को जो तड़का पैन है ये भी मैं इसी में कर दूँगी, जिससे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, और ये बहुत ही झटपट सा सांभर बनकर तैयार है। और अब इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए ये नारियल चटनी है, और ये जो सांभर बनाया है मैंने ये रखेंगे आप इसी के साथ, कि मैंने घर पर ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली बनाई है, ये भी मैं इसमें रखूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी सा इडली सांभर बनकर तैयार है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा, मिलते हैं एक